मैं हिमांशु जांगड़ा दिल्ली एफसी से फॉरवर्ड खेलता हूँ। अगर आई लीग में प्रमोशन मिल जाए तो क्लब के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम इसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एक साल से। सभी अपने अपने घर छोड़ के आए और बहुत हार्ड वर्क कर रहा था इसी की वेट के लिए। टीम बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है हमारा। अभी हम सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं, तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है हमने, तो मैचेस के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी चाहता है, फाइट करते हैं कि आई लीग में खेलने के लिए। सभी अपनी टीम को जिताना चाहते हैं। दिल्ली के लिए भी उनका एक डर्बी मिल जाएगा, डर्बी खेलने का चांस मिल जाएगा, तो वो अच्छा है। उसके लिए फैंस भी आएंगे, सपोर्ट करेंगे अपने अपने टीम का, और इससे हमको भी होगा कि हमें हमारी टीम को जिताना है खेल के डर्बी में। अच्छा लगेगा, क्योंकि वही एक ड्रीम होता है अपने नेशनल टीम के लिए और अपनी कंट्री की जर्सी पहन के खेलने के लिए। ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब मैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अभी एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। बिबियानो सर के अंडर और नेशनल टीम में जाके मुझे डिसिप्लिन का बहुत बेनिफिट हुआ। डिसिप्लिन सीखा बहुत ज़्यादा, बहुत मेरा गेम इम्प्रूव वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ। जो मैं यहाँ से गया था और वहाँ से नेशनल कैंप से वापस आया, तो मेरा बहुत हाई लेवल हो चुका था। सीनियरिटी और जूनियर्स में फ़र्क तो होता ही है, पर उनके सीनियर के साथ रह के ग्राउंड में भी और ग्राउंड के बाहर भी पता लगने लग जाता है कि हमको किस टाइम पे क्या करना है, क्या रिएक्ट करना है, चाहे वो फुटबॉल में हो या बाहर हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे सीनियर अनवर पाजी, वो हमेशा बताते रहते हैं कि ऑफ द फील्ड कुछ अच्छा चीज़ करो, जैसे बुक रीड करो, चाहे अच्छी बुक जो स्टोरी वाली बुक्स है वो पढ़ो। अगर तुम्हारा हैबिट बन जाएगा धीरे धीरे, तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो और डाउन टू अर्थ रहो हमेशा। अभी तो मैंने पढ़ा था यू कैन विन हिंदी में। मुझे अंडर 13 में जब मैं मिनर्वा में आया था, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। तब से अभी तक कोचिज चेंज हुआ है, पर सुरेंद्र सर बचपन से मुझे देखते आ रहे हैं। मैं जैसे गोल स्कोरिंग और इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो सर मुझे फ्री टाइम में हमेशा जब हॉलीडेज होते हैं तो पर्सनल ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे फिनिशिंग और इम्प्रूव कराते हैं, जो उनको पता है कि स्टार्टिंग से कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अभी हम स्टार्टिंग में आया तो क्वारंटाइन भी हुआ, के बाद मेंटली प्रेशर आता है थोड़ा। और कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, फुटबॉलर्स के लिए भी माइंड फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक वो माइंड फ्री है, वो अपना 100% गेम नहीं खेल पाएगा ग्राउंड के अंदर। क्वारंटाइन में भी हमने जैसे हमारे फिटनेस ट्रेनर है सागर सर, उन्होंने भी हमें ऑनलाइन क्लासेस में ट्रेन करवाया। उसके बाद बाहर निकला, ग्राउंड में गया, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा उसकी वजह से। और बायो बबल में हम सब देखते हैं कि कोई बाहर से आ रहा है, हम विंडो से देखता होता है तो ऐसे लगता है कि हम बेकार बाहर जाए, पर ये भी ज़रूरी है हम बायो बबल में रहें, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो खेल पाएंगे, वरना अगर कुछ भी इफेक्ट हुआ तो फिर वो हमको भी नुकसान है, तो और हमारे जो टीममेट है और जिनसे हम खेल रहे हैं उनको भी नुकसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए थैंक्स जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं क्वालिफाई होने के लिए, और जो हमें चाहते हैं कि हम क्वालिफाई होएं, उनके लिए भी हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कि हम भी चाहते हैं कि हमारे फैंस खुश रहे और हम क्वालिफाई होएं, वो हमें आगे भी सपोर्ट करें, तो इसलिए थैंक यू।